फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्किन केयर रूटीन नॉर्मल स्किन वालों के लिए, कि अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, कोई भी इशू नहीं है, तो आपको कौन सा स्किन केयर रूटीन अपनाना चाहिए और आपको कौन से इंग्रेडिएंट्स अपने प्रोडक्ट्स में देखने चाहिए। ओके, सो शुरू करते हैं हम क्लींजर से। मेरी ये रिकमेंडेशन है कि आप जब भी रात को सोने के लिए जाएं, और अगर आप 30s में हैं, तो आपको एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। और एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स में आपको एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट चेक करना है, और उसका नाम है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड होता क्या है? लैक्टिक एसिड दूध से बनता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि अगर हम दूध फेस पे लगाते हैं तो उससे हमारी जो फेस की स्किन है वो बहुत ही ब्राइट हो जाती है और क्वालिटी वाइज भी अच्छी हो जाती है। लेकिन ये ट्रू है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप अगर डायरेक्टली दूध को उसमें फेस में लगाते हैं तो लिक्विड को फेस पे लगा के रखना बहुत ही परेशानी वाला काम है। और अगर आप बस लगा के उसको निकाल देते हैं तो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपको नहीं मिलते हैं। लैक्टिक एसिड दूध से बना होता है और इसके कारण वो ऑर्गेनिक है, सेफ है आपकी स्किन के लिए, कोई भी उससे आपको हानि नहीं पहुंचेगी। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आपके लिए ये बहुत ही जेंटल एसिड है, इससे ज़्यादा सेफ एसिड कोई नहीं है मार्केट में। ये एसिड आपकी त्वचा को मॉइस्चराइज करेगा, एक अंदर से ही एक बहुत ही ज़्यादा प्लम्पिंगनेस आएगी आपकी स्किन में और उसको फेयर करेगा। आपके अगर कोई दाग धब्बे हैं, कोई झुर्रियाँ हैं, कोई झाइयाँ हैं, वो उन सबको आहिस्ता 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 उसको क्लीन करेगा। अगर आपको पिंपल्स होने वाले हैं तो वो पहले ही निकाल देगा और उसके बाद उसको क्लीन कर देगा। अगर आपके एंटी एजिंग के कारण फाइन लाइंस होने वाली हैं तो एंटी एजिंग का काम करता है, और अगर आप वो जो फाइन लाइंस हैं ये उनको भी क्लीन करता है। तो इन समरी, आपकी जो स्किन है वो एक तो टाइट हो जाएगी, आपकी स्किन जो है वो ब्राइट हो जाएगी, फेयर हो जाएगी, आपके जितने भी दाग धब्बे हैं वो सब हटने लगेंगे, और आपकी स्किन के लिए सेफ है। ओके, तो ये जो प्रोडक्ट है ये लगाना कैसे है? तो जब आप पहले उसका क्लींजर यूज़ करें, आप उसको सिर्फ और सिर्फ नाइट टाइम पे यूज़ करें। अगर आप पहली बार कोई भी प्रोडक्ट ये जिसमें ये एसिड्स है, सैक्लिक एसिड, हेयरोनिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऐसे कोई भी AHA वाले प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करने वाले हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन है आप इसको नाइट टाइम रूटीन से चालू करें। तो आप पहले क्लींजर लगाएं जब आप सोने वाले हों, उसको फेस पे पूरा क्लीन करें, उसके बाद टोनर लगाएं, वो भी लैक्टिक एसिड बेस्ड ही होना चाहिए, वो टोनर लगाएं, और उसके बाद आप फेस सीरम लगाएं। क्लींजर, फेस सीरम और क्रीम और टोनर, ये चारों प्रोडक्ट्स जब भी आप लगाएंगे आपको ध्यान देना है कि आपको ये आई के एरिया में नहीं लगाना है, ये सर्कल आपको छोड़ देना है, आपको अपने लिप्स के आसपास नहीं लगाना है। क्योंकि ये सब चीज़ें जब आप अपने लिप्स के पास लगाते हैं या आईज के पास लगाते हैं तो ये एक बहुत ही माइल्ड एसिड है, लेकिन ये आपकी स्किन को, आपकी जो आईज की स्किन है या आपके लिप्स की स्किन है, वो एक्स्ट्रा डेलिकेट होने के कारण उसको इरिटेट कर सकता है, उसको जलन कर सकता है। ओके, तो आप हमेशा ये एरिया, लिप्स का एरिया, इसको अवॉइड करें। तो आप पहले क्लींजर लगाएं, टोनर लगाएं, टोनर से आपकी जो स्किन है वो एकदम बैलेंस रहेगी, उसका pH लेवल मेंटेन रहेगा। उसके बाद आप फेस सीरम लगाएं, फेस सीरम भी लिक्विड फॉर्म में आता है, आप उसको बस 2-3 ड्रॉप्स हाथ में लगा के उसको टैप 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 करके उसको स्किन में एब्जॉर्ब होने दें, उसको आपको मसाज नहीं करनी पड़ती है। उसके बाद फेस क्रीम लगाएं, फेस क्रीम में भी ये एसिड रहता है, और उसको आप पूरा मॉइस्चराइज करें, पूरे फेस को अच्छे से मसाज करें क्रीम के साथ, और उसके बाद आप आई क्रीम लगाएं। लेकिन आई क्रीम अगर आपके पास लैक्टिक एसिड बेस नहीं भी मिलती है तो भी कोई परेशानी नहीं है, आप कोई भी एंटी एजिंग क्रीम, आई क्रीम लगा सकते हैं। लेकिन आप जब भी आई क्रीम लगाएं, आप कभी भी लिड्स पे नहीं लगाएं, आंखों की लिड्स को अवॉइड करें, सिर्फ और सिर्फ ये आईब्रोज के नीचे और आंखों के नीचे ऐसे उसको लगाएं और ऐसा ऐसा मसाज करें, आईज का एरिया, आई लिड्स का एरिया को अवॉइड करें। ओके,
अगर आपको लैक्टिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट्स मार्केट में मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं मिलते हैं तो मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप चेक करेंगे तो लैक्टिक एसिड बेस्ड ये चारों पांचों प्रोडक्ट जो मैंने अभी आपको बताए हैं इसके लिंक्स दिए हैं जो कि आप Amazon की वेबसाइट से खरीद भी सकते हैं। ओके, ये सब आपकी हेल्प करने के लिए मैंने किया है। अभी आप देखेंगे कि अगर आप लैक्टिक एसिड वाला प्रोडक्ट्स ये शुरू कर देते हैं तो आपको एटलीस्ट 21 दिन तक आपको रेगुलर लगाना है और तभी आपकी जो स्किन है वो उस प्रोडक्ट के साथ एडजस्ट हो पाएगी। और ये जो चीज़ें रहती हैं ये लॉन्ग टर्म रहती हैं, तो ये आपको दिनों में इसका असर थोड़ा बहुत दिखेगा लेकिन अगर आप इसको कम से कम 3 महीने तक यूज़ करते हैं तो आपको इसका जो बहुत ही ज़्यादा एकदम उठ के इसका डिफरेंस नज़र आएगा कि आपकी स्किन में बहुत फ़र्क पड़ा है। ओके, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं। ओके, आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। बाय।